नमस्कार, वेलकम टू मायास फूड। और रमज़ान स्पेशल में हम शेयर करेंगे आज एक खास रेसिपी, बादाम का शरबत। रेसिपी जितनी यम्मी है उतनी ही हेल्दी भी है, तो इस रमज़ान में इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, अब एक छोटे जार में छोटी कटोरी बादाम डाल लेंगे। 2 चम्मच इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। 1 छोटी इलायची भी मैं इसी में डाल रही हूँ ताकि अच्छी तरह से पिस जाए। यदि आपके पास पाउडर है तो फिर बाद में आप इसमें पाउडर ऐड कीजिए। और 2 चम्मच इसमें हम शक्कर डालेंगे, क्योंकि बादाम अच्छी तरह से पिसे इसलिए हमने इसमें भी थोड़ी 2 चम्मच शक्कर यूज़ की है। अब इन सभी चीज़ों का एक बढ़िया सा पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए, सारी चीज़ें हमारी कितनी बढ़िया तरीके से पिस के तैयार है। अब एक पतीले में हम ना दूध को गर्म कर रहे हैं। दूध को यहाँ पे थोड़ा सा हमें गाढ़ा करना होगा, यानी कि हमें लगभग 3 से 4 मिनट दूध को उबाल आने के बाद भी अच्छी तरह से पकाना है। इसे बीच बीच में चलाते रहिए। अब इसमें डालेंगे शक्कर। थोड़ी शक्कर हम पहले भी यूज कर चुके हैं, उस हिसाब से आप जैसा मीठा पसंद करें तो इसमें शक्कर ऐड कर दें। इसे अच्छी तरह से चला लें। अब शक्कर के घुल जाने के बाद जो पाउडर हमने तैयार किया था, तो बारी है उसे डालने की। तो चलिए, अब सारा का सारा ये जो पाउडर हमने बनाया है इसे डाल देते हैं, और इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। ये जो हमारा ड्रिंक है, टेस्टी तो है ही, साथ ही साथ बहुत ही हेल्दी है। तो सिर्फ रमजान और इफ्तार में ही नहीं, आप कभी भी इस ड्रिंक को पी सकते हैं। तो अब दूध में काफ़ी अच्छी तरह से उबाल आ चुका है, और बहुत अच्छी तरह से ये देखिए हमने इसमें जो बादाम वगैरह डाला था, तो काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें पक चुकी हैं और बढ़िया सा मिल्क जो है गाढ़ा हो चुका है। अब क्या करेंगे, दूध को हमें कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। तो अब पहले हम डालेंगे अपने ग्लास में आइस क्यूब्स। और अब ये चिया सीड्स, यानी कि सब्जा वाली जो सीड्स होती है ना, जिन्हें हमने भिगो के रखा था, तो वो। और अब मिल्क, तो लीजिए, तैयार है आपका स्पेशल सा ड्रिंक। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ये वीडियो आपने देखा उसके लिए थैंक यू।